एवरीवन, वेलकम टू तस्नीम इंडियन जायका। आज मैं बनाने जा रही हूँ एग बिरयानी। ये बहुत टेस्टी है फ्रेंड्स, आप भी अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें। मेरी वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एग को बॉईल करके रखा हुआ है। एग का छिलका हटा लेंगे हम। ये देखिए, मैंने एग का छिलका हटा लिया है। ये देखिए, मैंने अदन के लिए पानी रखा हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे साबुत गरम मसाला। यहाँ पे मैंने दालचीनी, लौंग, जीरा, तेज पत्ता और हरी इलायची को ऐड कर दिया है इसमें। चलिए इसे उबाला आने देते हैं। चले, यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेते हैं। दूसरी ओर मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल ऐड करके रखा हुआ है। चलिए, ऑयल गर्म होने के बाद हम यहाँ पे जीरा ऐड कर दिया है। अब हम ऑनियन ऐड करेंगे। ऑनियन को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। प्लीज वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। इस तरह ऑनियन को हम फ्राई कर लेंगे। ग्रीन चिली ऐड कर लेंगे हम। ये देखें, हमने ऑनियन को अच्छे से फ्राई कर लिया है। गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है इसका। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट। चले, इसे भी मिक्स करके फ्राई कर लेते हैं। चले, मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम यहाँ पे टमाटो ऐड कर लें। टमाटो को भी अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक के ये गल ना जाए। स्वाद अनुसार सॉल्ट ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर लें। ये देखें, टमाटो को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है, ये गल चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी दही। ऐड करने के बाद लेमन जूस ऐड करेंगे। चलिए, इसे मिक्स करके इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हम ऐड करेंगे पुदीना लीव्स, कोरिएंडर लीव्स। चलिए, इन सबको मिक्स करके फ्राई कर लें। चलिए, यहाँ पर हम एग को इस तरह कट लगा कर एग ऐड कर लेते हैं। एग को ऐड करके मसाले में अच्छे से मिक्स करके फ्राई कर लें सारे स्पाइसेस के साथ। इसे ढक के रख देते हैं 5 मिनट्स के लिए। ये देखिए, यहाँ पर उबाला आ चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देते हैं, राइस। सारे चावलों को यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। चलिए, इसे मिक्स कर लेते हैं। कुकनी आने तक कुक करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स और पुदीना लीव्स ऐड कर लेते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, चावल कुक हो चुके हैं। चलिए, हम इन्हें छन लेते हैं। अब ये देखें, ये भी अच्छे से कुक हो चुका है मसालों के साथ एग। चलिए, अब हम इसमें चावल को ऐड कर लेते हैं। चावलों को एवनली हम फैला लेते हैं इस तरह। चलिए, ऊपर से थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स और पुदीना लीव्स ऐड कर लेंगे, कसूरी मेथी थोड़ी सी, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, घी
चलिए देखते हैं। दम हो चुका है फ्रेंड्स, चलिए इसे ऊपर नीचे करके मिक्स करके फिर डिचोक करेंगे। कितनी खूबसूरत बनी है एक बिरयानी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने डिश आउट कर दिया है। तो आज की ये रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।